नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है यह वीडियो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ है। यह पौधा आसानी से ग्रामीण क्षेत्र के, जो जंगली क्षेत्र के गांव देहात है, वहां पे आसानी से मिल जाता है, या फिर जंगल में भी आपको यह मिल जाएगा। तो बहुत से लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लोग इसको देख करके पहचान रहे होंगे। तो अगर आप इस पौधे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जानते हो, तो आज पूरी जानकारी जान लीजिए। यह पौधा किस तरह से बहुत ही ताकतवर औषधि है और किस तरह से फ़ायदा करता है, सभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस पौधे को अच्छे से देख कर पहचान लीजिए। इस पौधे को हमारे छत्तीसगढ़ की देहात भाषा में गुड़ सुपरी के पौधे के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसे नागबला कहा जाता है। दोस्तों, वैसे बला बहुत प्रकार के होते हैं, उन्हीं बलाओं में से भी यह एक बला है। यह ताकत का खजाना है और इसका बहुत ज़्यादा औषधि प्रयोग होता है। आज मैं आप लोग को इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ, ताकि भविष्य में आपको इससे फ़ायदा आसानी से उठा सकें। तो देख लीजिए इस पौधे को, इस नागबला के पौधे को। इसमें फल आता है जो कच्चे अवस्था में हरे दिखाई देता है और पकने के बाद थोड़ा काला लाल हो जाता है। तो इसका फल और इसका जड़ और इसका पत्तियां सभी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जड़ का प्रयोग दोस्तों ताकत को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने शरीर की जितनी भी नर्वस सिस्टम है उनको सुधारने के लिए, शरीर में एक जोश भरने के लिए, रक्त संचार तीव्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ को खोद करके निकाल लीजिए, उसे साफ करके, सुखा करके, काट करके अच्छे से पाउडर कर लीजिए, और पाउडर करने के बाद इसके जड़ का एक एक चम्मच पाउडर आप दूध के साथ सेवन कीजिए, आपकी ताकत डबल हो जाएगी, मतलब आपकी कमजोरी ख़त्म हो जाएगी, और गठिया साइटिका जोड़ों का दर्द रहता है वह भी ख़त्म हो जाएगी, हाथ पैर में शिथिलता रहती है वह भी ख़त्म हो जाएगी। यह कंपन बात की भी बहुत ही अच्छी दवा है, अगर आप इसके जड़ का प्रयोग कराते हो तो इसके जड़ एक बलशाली पाउडर के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो। जितने भी ताकत वाली प्रोडक्ट होती है, जिसमें ताकत बढ़ाने की दवा मिलाई जाती है, उनमें इस दवा को भी मिलाया जाता है। इसका जड़ बहुत ही महाऔषधि है। और दोस्तों, इसके जो तने का छाल है, उस तने को छाल को यदि आप निकाल करके उसे कूट पीस करके पेस्ट बना करके अंडकोश की सूजन में लेप करते हो, तो अंडकोश का सूजन भी समाप्त हो जाता है। और इसी पेस्ट को यदि आप दर्द वाले स्थान में, सूजन में, बाहरी सूजन में लेप करते हो, उसमें भी आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलता है, उसमें भी बहुत अच्छा राहत देता है। अब दोस्तों, इसके जड़ का एक और ज़बरदस्त फ़ायदा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो पिछवाड़े में यानि बम पे शरीर में सूजन हो जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में केस्टूटी कहा जाता है, तो ये किस्टूटी का फोड़ा जो है, जो पिछवाड़े में होता है अक्सर गर्मी की वजह से, तो उसको यह आसानी से ख़त्म कर देता है, सुखा देता है, पका देता है। अगर इस तरह का सूजन किसी भाई बहन को हो जाता है कभी, तो इसके जड़ को खोद करके, उसे पीस करके, वहाँ पे लेप करके रख दीजिए। लेप करने के बाद आप सो जाइए एक दो घंटे के लिए, उसके बाद उसको आप निकाल दीजिए। इस तरह से प्रयोग करने पर लगातार दो तीन दिन आपका वह सूजन ख़त्म हो जाएगा और फोड़ा मिट जाएगा, सूख जाएगा, पूरी तरह से पक करके उससे पीप जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से यह इस तरह के फोड़ा में भी काम आता है। और जो इसका जो आप फल देख रहे हो, यह फल भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, ताकत का खजाना है। जड़ और फल दोनों एक समान गुण रखता है, तो इस फल को भी आप ऐसे ही खा सकते हो, मीठा स्वादिष्ट लगता है थोड़ा अच्छा सा, और पाउडर करके भी इसके फल को रख करके इसके पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, चूरन के रूप में ले सकते हो। इसके चूरन को आप शहद में या फिर दूध में मिला करके प्रतिदिन खाने से ताकत की वृद्धि होती है, कमजोरी का नाश होता है, शीघ्र पतन भी दूर होता है, धातु रोग भी दूर होता है इसके फल का सेवन करने से। तो आप इसके फल को भी खा करके अपने शरीर को डेवलप कर सकते हो, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ स्वस्थ बना सकते हो। तो इस तरह से यह नागबला बहुत ही महा औषधि है और अचूक औषधि है, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कार्य करता है। तो आप इसके जड़ का और फल का भरपूर प्रयोग कीजिए। अभी के मौसम में फल मिल रहा है, यह ठंड के मौसम में नवंबर दिसंबर तक मिलता है, तो आप देख लीजिए आसपास यदि मिलता है तो इसके फल इकट्ठे कर लीजिए, और ज़रूरत हो तो इसके जड़ को खोद करके भी उसका पाउडर
उसका पाउडर भी यूज़ कीजिए। अगर हो सके आपसे तो जड़ और फल दोनों एक साथ मिला करके पाउडर कर लीजिए। अगर इस तरह से पाउडर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। देख लीजिए, पहचान लीजिए इस पौधे को और भरपूर प्रयोग कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इस पौधे की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी नए औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।